मोदी सरकार दीपावली से पहले करदाताओं को बड़ा तोहफा देते हुए इनकम टैक्स की दरों में कटौती कर सकती है। एक खबर के मुताबिक 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगाया जा सकता है। वर्तमान में ये दर 20% है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर सरकार 25% टैक्स लगा सकती है। मौजूदा समय में ये दर 30% है। बता दें कि सरकार फिलहाल 5 लाख की आय पर 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद बाकी 4.5 लाख 20% की दर से 90,000 रुपये टैक्स वसूलती है। यदि ये दर घटकर 10% हो जाती है तो टैक्स की राशि 45,000 रुपये हो जाएगी, जिससे करदाताओं को यानी आपको 45,000 रुपये का फ़ायदा होगा। ये गणना टैक्स छूट के लिए निवेश के विकल्पों और सेस के बिना की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज भी हटा सकती है। वहीं कर में छूट के कुछ अन्य विकल्प भी खत्म किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार फैसला लेने के दौरान डायरेक्ट टैक्स कोड की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी। बता दें कि 19 अगस्त को DTC द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें पैनल की ओर से सुझाव दिया गया था कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स लगाया जा सकता है, जो कि फिलहाल 20% है। वहीं 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 30% से घटाकर 20% किया जा सकता है और 20 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ की आय पर 30% टैक्स किया जा सकता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.